It's a T. Oh wait. T R A V. Dano mašinu. Za moja prijatelj. Za gam. सही सुना था मैंने बुल्गारिया का लोगों के बारे में कि बड़े बदतमीज होते हैं। कुछ देर बाद में सारे लोग उनसे परेशान हो गए थे। पैर में लगी हुई चोट और छोटी सोच आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देती। वैसे ही मेरे पैर में कल चोट लग गई थी तो आगे बढ़ने में मुश्किल हो रही है। पैदल चल के आया फ्लोरिन बस स्टॉप तक अपने हॉस्टल से, तो काफ़ी टाइम लग गया बिकॉज़ उधर मेट्रो और ट्राम लाइन नहीं थी और नज़दीक ही था तकरीबन 1 किलोमीटर, तो पैदल ही आ गया मैं तो। और अभी हूँ मैं प्राग के फ्लोरिन बस स्टॉप पर और यहाँ से मैंने बस पकड़नी है वियना ऑस्ट्रिया की, एक और नई जर्नी। लगभग 5.5 घंटे की ये जर्नी होने वाली है बस से, और 350 किलोमीटर कवर होंगे। अर्डा टूर करके बस कंपनी है, ये मेरा बस स्टॉप है। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन लगी होती है कौन सी बस कहाँ जानी है, ऐसे करके बहुत बड़ा बस स्टॉप है ये, बहुत बड़ा बस स्टॉप है। और ये टिकट मुझे पड़ी 10 यूरो की, लगभग 750 रुपये। यहाँ से ट्रेन भी है रीजन जेट की जो कि 17 यूरो की है, बसेज भी 17 यूरो, 15 यूरो, 13 यूरो, लेकिन अर्डा टूर की ये बस सबसे मुझे चीपेस्ट पड़ी। और अभी देखते हैं बस की जर्नी कैसे होने वाली है। और टेम्परेचर अभी है भाई साहब 0 डिग्री, और सुबह मैंने देखा, सुबह मैं 6 बजे उठा था, यहाँ पे बर्फ़ गिर रही थी और इतना स्नोफॉल हुआ कि सड़कें एकदम वाइट हो गई थी और बाद में बारिश स्टार्ट हो गई, तो इसलिए काफ़ी मौसम तो ठंडा ही है। उम्मीद करता हूँ ऑस्ट्रिया में ज़्यादा ठंडा ना हो बिकॉज ऑस्ट्रिया यहाँ से तो थोड़ा ठंडा ही है। ये भाई साहब है मेरे साथ जो ये सबको चॉकलेट खिला रहे हैं। वेयर आर यू फ्रॉम? अब इंग्लिश नहीं आती, थोड़ी थोड़ी, थोड़ी रशियन बोल रहे हैं। बुल्गारिया, बुल्गारिया। हां बुल्गारिया, ओके ओके ओके, хорошо. ये хорошо. या? हम मेरी नाचिया इंडीज को। मैं इंडीज। थैंक यू। इंडिया। मैं ना इंडीज हूं, मेरा बाबा इंडिया। What do you doing in here? Wow, YouTube. Ah, YouTube. Да. Ah. Я мыс мешко. То би кале пусти про YouTube такой канал. Супер. Супер. Макаги му да ти плаща. Живота корембати. Толку пари ще ми дадеш за това, като ме снимаш са. Кое гледаш към да не спиш? Това хафти идеи ка. Самъз ме да му живи куч ни я ра. За ето си ми. Това сами ха милане ми. Кя галата? Казва шоколада, ти си му дал шоколада. Спасибо. Нет, нет. Спасибо. Хани. България 30 стотинки е так. Тук е 5 лева. Ту ме капус. България 30 стотинки. Бас зърни да билкул забърдъст соне вали е. Шор हो गया अभी। और एक और मदद मुझे यहाँ पे मिली टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर से। एक्चुअली इस बस के लिए प्रिंट आउट चाहिए था और मैं भूल गया था अपने हॉस्टल से लेना, तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की, उन्होंने फ्री में उन्होंने मुझे फ्री में प्रिंट आउट दिया। कई बसों के लिए आपको प्रिंट आउट चाहिए होता है, कई बसों आपको अलाउ करती है मोबाइल एप्लीकेशन में जो कोड होते हैं उनसे, वो आप जो ओमियो एप्लीकेशन से या किसी भी एप्लीकेशन से आप बस बुकिंग करेंगे उसमें मेंशन रहेगा और कौन से बस स्टॉप पे कितना टाइम ले रही है। Yeah! 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 Oh my god! Super! Yes, yes! Привет!
Привет. बस में काफ़ी देर के धमाल के बाद अभी थोड़ी शांति है और बाहर तो बर्फ़ ही बर्फ़ जमी पड़ी है। रोड के दोनों साइड खेतों में बर्फ़ ही बर्फ़, पूरी सफ़ेद बर्फ़ की चादर जमी हुई है क्योंकि लास्ट नाइट प्राग में भी बर्फ़ गिरी थी और वियना तो ज़्यादा ठंडा है तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे बर्फ़ गिरनी है। टेम्परेचर 0 डिग्री शो कर रहा है, बस में दिखा रहा है, अब एक्चुअल में कितना है मुझे पता नहीं। बस बारिश ना हो वियना में वो सही रहेगा ट्रैवल के लिए। बर्फ़ तो नॉर्मल स्नो इट्स ओके, बट बारिश हो जाती है तो फिर सारा जमा देती है, फिर तो घूमना मुश्किल हो जाता है फिर, लेकिन ज़बरदस्त बर्फ़। इस ज़बरदस्त बर्फ़ को देख के ही ठंड लगनी शुरू हो गई है अंदर से कि वियना में उतरेंगे तो क्या हाल होंगे। और फरवरी का आखिरी दिन है, एक्चुअली ये लीप ईयर है, लीप वर्ष है, 29 फरवरी है आज, फरवरी 29 है आज। तो उन सभी लोगों को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं जिनका जन्मदिन हर साल नहीं आता, 29 फरवरी को आता है। बस अभी रुकी है पेट्रोल स्टेशन पे टॉयलेट के लिए, फ्यूल रिफिल के लिए। एक्चुअली बस का टॉयलेट यूज़ में नहीं आ रहा है तो इसलिए यहाँ पे ब्रेक लेना पड़ा, और अभी भी चेक रिपब्लिक में ही है। लगभग 70 किलोमीटर दूर वियना है यहाँ से, और अच्छी खबर यह है कि यहाँ पे कोई स्नोफॉल नहीं हुआ, वो सिर्फ प्राग के आसपास के एरिया में हुआ, तो होप फॉर गुड। सो फाइनली आ गया हूँ ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में, और खुशखबरी ये है कि बाहर का टेम्परेचर है 12 डिग्री सेल्सियस, कोई स्नोफॉल नहीं है, कोई बारिश नहीं है। और बस का सफ़र तो बड़ा क्रेजी रहा, जो दो बुल्गारिया के बंदे थे क्या धमाल मचाया उन्होंने। सही सुना था मैंने बुल्गारिया का लोगों के बारे में कि बड़े बदतमीज़ होते, कुछ देर बाद में सारे लोग उनसे परेशान हो गए थे। और मैंने यहाँ से टिकट ले ली है और वहाँ से करा ली है वैलिडेट। यह है मेट्रो स्टेशन, यहाँ पे वैसे तो कोई सिक्योरिटी चेक होता नहीं, आपको टैप करके गेट खुल जाएंगे जैसा नॉर्मली हर जगह होता है, इंडिया में भी ऐसा ही होता है। यहाँ पे आपको टिकट, पेपर टिकट लेनी होती है, उसको स्टैम्प कराना होता है और फिर आप ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन ख्याल रखिएगा यहाँ टिकट्स चेक होती रहती है। 2.4 यूरो की ये टिकट मुझे पड़ी है सिंगल जर्नी की। हॉस्टल मेरा तकरीबन 8 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो पहले पकड़ूंगा मेट्रो और फिर वहाँ से चेंज करके एक ट्रैम लूँगा और फिर ट्रैम से हॉस्टल जाऊँगा। मेट्रो में आ गया हूँ, लगभग 8 स्टेशन के बाद मुझे यहाँ से उतरना है मेट्रो से और फिर पकड़नी है ट्रैम और फिर हॉस्टल। और अभी पकड़नी है ट्राम। और यहाँ के मेट्रो की एक विशेष बात यह है कि आपको अगर बाहर निकलना है तो गेट पे जो मेट्रो के अंदर गेट पे जो लगा हुआ बटन है वो दबाना पड़ेगा, तभी गेट्स खुलेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी भी स्टेशन पे रुके और पूरे मेट्रो के गेट खुल जाए जैसे कि अपना होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग है तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अंदर स्टेशन के बारे में अनाउंस होता है, छोटी सी LED स्क्रीन पे लिखा हुआ भी आता है और मैप भी लगा हुआ है कि कौन कौन से स्टेशन है, बट मैप पे इंडिकेट नहीं करता अब कहाँ पे हैं, तो उसका भी ध्यान रखना। आप चेक कर सकते हैं कि स्क्रीन पे कौन से स्टेशन का नाम लिखा हुआ आ रहा है, वो
और उससे आप तय कर सकते हैं कि अभी हम कहाँ हैं और कौन से स्टेशन पे उतरना है। अजीब देश है लोग पैसे मांगते हैं पेट भरने के लिए और यहाँ के लोग मांग रहे हैं पैसे एक बियर के लिए। और आप किसी भी कंट्री या किसी भी सिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी महंगी है उसकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की टिकट से, जो कि चपेड़ लगी है लगभग 2.5 यूरो की। तो डेफिनेटली वियना एक चीप कंट्री नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव कंट्री है। तो जी ट्रैम आ गई अपनी, ट्रैम से उतर कर अब थोड़ा सा पैदल चल के हॉस्टल पहुंचना है। और ये यहाँ पे एक लोकल मार्केट, एक्चुअली ऑस्ट्रिया ने काफ़ी लोगों को शरण दी थी रेफ्यूजीज को, तो उस वजह से ऐसे मार्केट यहाँ पे होना आम बात है। बहुत सारे सीरिया के लोग, इलीगल इमिग्रेंट्स, तो यहाँ पे आपको खाने पीने की चीज़ें सस्ती मिल जाएगी डेफिनेटली। So, ये है मेरा हॉस्टल जहाँ पे मैं रुकने वाला हूँ। उसका रिसेप्शन 2 नाइट्स की चपेड़ लगी है लगभग 2000 रुपये। थोड़ा एक्सपेंसिव है हॉस्टल्स भी यहाँ पे वियना में, और वैसे भी एक्सपेंसिव होने थे क्योंकि आज सैटरडे नाइट है। तो सैटरडे नाइट को तो यूरोप की ऑलमोस्ट सभी सिटीज़ में पार्टी चलती है, तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव है 2000 की चपेट 2 नाइट्स के लिए। वैसे तो आज की नाइट तो वैसे ही ख़राब होने वाले, सिर्फ कल का दिन है मेरे पास यहाँ पे घूमने के लिए। तो कुछ फॉर्मेलिटीज़ फिल करनी है और उसके बाद में हो जाएगी चेक इन। Yeah, that's me. Okay. तो बोनी अच्छी हुई है, हॉस्टल में आते ही सब्सक्राइबर मिल गए हैं एक। Only 3 videos yet, but I hope that when I will upload video series of London because I have been there, then it will increase it. Okay, take me to the room, please. थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। तो जी चेक इन हो गई है, मुझे अपना ये बेड मिल गया है, ये है रूम। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फ्रेंड्स को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन दुआ में ज़रूर याद रखिए।